हेलो दोस्तों, आप एक गोविंद लेजी बॉय के साथ जो है इस दुनिया का सबसे लेजी लड़का, तो इस लेजी लड़के के साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के दुनिया के सफर पर चलिए। तो चले शुरू करते हैं। साल 1896, ये वो साल है जब इस दुनिया में ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई। 127 सालों के ओलंपिक गेम्स के इतिहास में भारत ने कुल 35 मेडल जीते, जिसमें 10 गोल्ड थे, 9 सिल्वर थे और 16 ब्रॉन्ज मेडल थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत ने जीते हुए 10 गोल्ड मेडल में से 8 गोल्ड मेडल भारत को हॉकी से आए हैं। हॉकी ने भारत को साल 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964 और 1980, इन 8 सालों में गोल्ड मेडल दिलवाए। और 2020 में हुए टोक्यो ओलंपिक में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता और वुमेन हॉकी टीम 4th पोजीशन पर रही। अगर हम जीते हुए सालों पर ध्यान दें तो 1928 से 1964 तक भारत ने वर्ल्ड हॉकी पर एक तरफा हुकूमत की थी, लेकिन उसके बाद भारतीय हॉकी के परफॉर्मेंस में लगातार गिरावट हुई, एक्सेप्ट 1980 का मॉस्को ओलंपिक जो रशिया में हुआ था। लेकिन मॉस्को ओलंपिक में भारत ने जो गोल्ड मेडल जीता वो भारत ने अपने परफॉर्मेंस के बलबूते पर नहीं जीता, क्योंकि कोल्ड वॉर के चलते बहुत से पश्चिमी देशों ने मॉस्को ओलंपिक का बॉयकॉट किया था, जिसमें उस वक्त के हॉकी के टॉप परफॉर्मिंग नेशंस भी थे, जिसकी वजह से 1980 में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल जीतने में कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ा था। लेकिन जब ये देश वापस आए तब भारत का परफॉर्मेंस फिर से गिर गया था। भारतीय हॉकी का लोएस्ट पॉइंट तब आया जब 2008 ओलंपिक के लिए इंडियन हॉकी टीम क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। कोविड के चलते 2020 टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुए थे, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत ने हॉकी में 21 सालों का ओलंपिक मेडल्स का सूखा खत्म किया था। इस मेडल का श्रेय जितना इंडियन प्लेयर्स को जाता है उतना ही श्रेय भारत के एक राज्य और उस राज्य के मुख्यमंत्री को भी जाता है, जिन्होंने भारत के इस मरे हुए नेशनल गेम्स को फिर से जिंदा करके ओलंपिक मेडल तक पहुँचाया। यहाँ पर बात हो रही है उड़ीसा की, और उड़ीसा के 5 बार मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक की। उड़ीसा और नवीन पटनायक जी ने ऐसा क्या किया जिससे भारतीय हॉकी का जीर्णोद्धार हुआ, आइए जान लेते हैं। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो तारीख है 28 जनवरी 2023। आप में से कितने लोगों को पता है कि इस वक्त उड़ीसा में हॉकी का वर्ल्ड कप चल रहा है? अगर पता भी होगा तो आप ये बता नहीं पाओगे कि भारत की वर्ल्ड कप में पोजीशन क्या है, भारत कौन से रैंक पर है। लेकिन उड़ीसा के बारे में ये बात लागू नहीं होती। ये कुछ न्यूज़ है जिसमें लोग हॉकी वर्ल्ड कप की टिकट्स को ब्लैक में खरीद रहे हैं, इससे हॉकी के लिए उड़ीसा में क्रेज दिखाई पड़ता है। हॉकी और उड़ीसा के रिलेशनशिप में अहम मोड़ तब आया जब उड़ीसा ने 2014 में हॉकी की चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट किया, और तब से उड़ीसा ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उसके बाद उड़ीसा ने 2017 में हॉकी वर्ल्ड कप लीग फाइनल को होस्ट किया और 2018 में हॉकी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट मतलब हॉकी मेंस वर्ल्ड कप को होस्ट किया। इसके अलावा उड़ीसा ने लगातार इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स जैसे FIH मेंस सीरीज, ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर, FIH प्रो लीग जैसे टूर्नामेंट्स को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया, और अब 2023 में दूसरी बार उड़ीसा मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर रहा है। कंटिन्यूसली उड़ीसा में हो रहे इंटरनेशनल गेम्स की वजह से इंडियन प्लेयर्स दुनिया के बेस्ट टीम के साथ खेल रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन टीम्स का खेल इम्प्रूव हो रहा है। 2018 तक हॉकी इंडिया को सारा स्पॉन्सर करती थी, लेकिन फाइनेंशियल क्रंच की वजह से ठीक 2018 हॉकी वर्ल्ड कप के पहले सहारा ने अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ली और हॉकी इंडिया को बीच मझधार में छोड़ दिया। तब उड़ीसा के CM नवीन पटनायक हॉकी इंडिया की मदद के लिए दौड़कर आए और उन्होंने 150 करोड़ देकर 5 सालों के लिए हॉकी इंडिया को स्पॉन्सर किया। ये न्यूज़ सुनकर पूरे भारत की स्पोर्ट्स कम्युनिटी सरप्राइज थी, क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार कोई स्टेट किसी खेल को स्पॉन्सर कर रहा था। अब तक किसी भी स्टेट ने किसी भी खेल को स्पॉन्सर नहीं किया था। इस तरह CM नवीन पटनायक ने हॉकी इंडिया को उस वक्त मदद की जिस वक्त हॉकी को उनकी मदद की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। 2018 में उड़ीसा गवर्नमेंट ने टाटा ग्रुप से पार्टनरशिप करके कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में उड़ीसा नवल टाटा हॉकी हाई परफॉर्मेंस सेंटर को सेटअप किया, जहां पर देश भर के यूथ टैलेंट को हॉकी की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आगे जाकर इस सेंटर से भारत के लिए वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स निकलेंगे।
कुछ साल पहले उड़ीसा स्टेट टीम के प्लेयर्स अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से कलकत्ता जाकर प्रैक्टिस करते थे। आज उड़ीसा में हॉकी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत की किसी भी स्टेट में नहीं है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में एक सिंथेटिक टर्फ बनाया जहाँ पर प्लेयर्स को शुरुआत से ही इंटरनेशनल लेवल की हॉकी खेलने की प्रैक्टिस होती है। आज उड़ीसा में कलिंगा स्टेडियम के रूप में ऐसा स्टेडियम है जो दो बार हॉकी वर्ल्ड कप को होस्ट कर चुका है। इसके अलावा उड़ीसा ने राउरकेला में 20,000 लोगों की सीटिंग अरेंजमेंट के साथ भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया, जहाँ के प्लेयर्स कभी प्रैक्टिस के लिए कोलकाता जाते थे। उस उड़ीसा का राउरकेला स्टेडियम आज इंडियन हॉकी टीम का होम ग्राउंड है। ये कुछ एफर्ट्स है जो उड़ीसा ने लिए जिसकी वजह से आज इंडियन हॉकी फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो पाई। जाते जाते इंडियन हॉकी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी जान लेते हैं। 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ इंडियन हॉकी टीम ओलंपिक की सबसे सक्सेसफुल टीम है। 134 मैचेस में से 83 मैचेस जीतकर भारत ओलंपिक हिस्ट्री में बेस्ट परफॉर्मर है। भारत ने ओलंपिक में किसी भी टीम से ज़्यादा गोल मारे हैं। ओलंपिक में बादशाह होने के बावजूद भारत ने सिर्फ एक बार यानी 1975 में वर्ल्ड कप जीता था। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।